वेलकम इन नेक्स्ट आई न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम दबंग खान स्पेशल में। नाम से तो आप जान ही गए कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान यानी आप सबके भाईजान को लेकर। सलमान खान इन दौरान काफी ही ज्यादा लाइमलाइट का कारण बने हुए हैं। दरअसल बस एक ही सवाल ऐसा है जो हर किसी के जहन में घूमता है सलमान को लेकर कि फाइनली कब सलमान खान की शादी होगी, कौन वो ऐसी होगी जो सलमान की दुल्हन बनेगी। आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे मानो लगता है कि जैसे सलमान खान को उनकी दुल्हन मिल गई हो। जी हाँ, कौन है वो देखेंगे आप हमारे इस प्रोग्राम में। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सलमान खान की फिल्म ईद के मौके पर यानी 15 जून को रेस 3 रिलीज होगी, जिसका हाल ही में ट्रेलर भी सामने आया जिसमें सलमान खान काफी मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए और साथ ही साथ यहाँ पर रेस 3 की पूरी कास्ट को देखा गया। आप देखेंगे हमारी इस वीडियो में किस तरह से सलमान खान जो हैं और उनकी पूरी कास्ट जो है वो एक दूसरे की खिंचाई करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सलमान खान ने एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसकी बाजू पकड़ ली या फिर यूं कहे कि उनका हाथ थाम लिया है। उनके डूबते करियर को अब सलमान खान उठाएंगे। अक्सर ही देखा गया है कि सलमान खान जो हैं बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस का हाथ थामते हैं, जिनका करियर डूब रहा होता है वो अपनी फिल्म में उनको ले लेते हैं और उसके बाद वो एक्ट्रेस काफ़ी ही अच्छी और सुपरहिट एक्ट्रेस बन जाती हैं। आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ आप ये चीज़ भी जानेंगे कि रेस 3 के ट्रेलर के मौके पर आखिर सलमान खान ने क्या बोल दिया था बॉबी देओल को लेकर, जो वो काफ़ी ही ज़्यादा शर्मा भी उठे। रेस 3 का ट्रेलर जहां सामने आया तभी मानो सोशल मीडिया पर उनके ट्रेलर की धूम मची हुई है। बता दें आपको इस ट्रेलर को अब तक काफी ही ज्यादा लोग देख चुके हैं और इसके बाद सलमान खान और पूरी टीम ने एक पार्टी भी रखी। क्या कुछ खास है देखिए हमारे इस प्रोग्राम में। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान जो हमेशा से ही खबरों का कारण बने रहते हैं, मगर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर सलमान खान शादी कब करेंगे, आखिर वो कौन लकी लड़की होगी जो सलमान की दुल्हन बनेगी, कब सलमान खान की शादी होगी। अगर अभी की बात की जाए तो सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 की शूटिंग को लेकर काफी बिजी हैं, जो हाल ही में उनका ट्रेलर भी सामने आया। अगर सलमान की फिल्म रेस 3 के ट्रेलर की बात करें तो इस फिल्म का ट्रेलर बेहद ही जबरदस्त है। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर मानो सामने आया, सोशल मीडिया पर यह इतनी तेजी से वायरल हुआ कि ये नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में है। जी हाँ, आपको बता दें सलमान खान की ये फिल्म जो है ईद के मौके यानी 15 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, जिसका इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से है। वहीं सलमान खान की फिल्म जो है, इस फिल्म में अनिल कपूर, जैकलीन, डेजी शाह, बॉबी देओल तमाम सितारे दिखाई देंगे। बता दें आपको कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये सितारे ना जाने क्या कुछ करते हैं। हाल ही में एक सलमान का पुराना इंटरव्यू इन दिनों काफी ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान की शादी को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं, जहां पर कैटरीना कैफ उनके साथ है। अक्सर ही ये यूजर्स की डिमांड भी है, तमाम हमारे प्रोग्राम्स में ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सलमान और कैटरीना की शादी हो जानी चाहिए। ये बॉलीवुड का एक ऐसा कपल है जिसे अक्सर ही लोग साथ देखना चाहते हैं और एक साथ जीवन बिताते हुए भी लोग चाहते हैं कि ये कपल दिखाई दे। मगर सलमान और कैटरीना की अगर बात की जाए तो एक दौर था जब इन दोनों के बीच लव का रिलेशन था, मगर अगर हाल ही की बात की जाए तो सलमान और कैटरीना जो हैं वो अलग अलग तो हैं, मगर जब भी इन दोनों को साथ देखा जाता है अक्सर ही इन दोनों की ट्वीनिंग साफ साफ दिखाई देती है। पुराने अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो ये अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे तो उस दौरान सलमान से कैटरीना ने खुद ये सवाल पूछा कि आखिर आप कब शादी करोगे। मानो कैटरीना ने इतनी मासूमियत से ये सवाल पूछा कि ऐसा लग रहा था कि मानो सलमान से कैटरीना खुद कहना चाह रही है कि आप मुझसे कब शादी करोगे। आपको बता दें तमाम बारी इन दोनों को साथ भी देखा गया है, जहां पर इन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक होती है। सलमान चाहते थे कि वो कैटरीना कैफ से शादी करे, तब उस दौरान लगता था कि मानो सलमान को फाइनली अपनी दुल्हन मिल गई हो।
मगर सलमान खान जो हैं उसके बाद कैटरीना ने कुछ ऐसा किया कि सलमान और कैटरीना अलग हो गए। उसके बाद अगर सलमान की बात की जाए तो सलमान की हाल ही में भी गर्लफ्रेंड है जो है यूलिया वंतु, मगर अक्सर ही लोग चाहते हैं कि सलमान और कैटरीना शादी कर लें। तमाम फैंस की ये डिमांड है कि सलमान और कैटरीना शादी करें, ये एक बेस्ट कपल के तौर पर भी सामने उभर के आएंगे। खैर अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दोनों शादी करते हैं या फिर नहीं, मगर आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें, ये देखा गया है जब भी कैटरीना का करियर डाउनफॉल होता है तो उसका हाथ सिर्फ सलमान खान ही थामते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो एक कैटरीना का करियर काफ़ी ही ज़्यादा डाउनफॉल पे हो रहा था, मगर उस टाइम भी सलमान ने ही कैटरीना का हाथ थामा। खैर अब ये तो आने वाला वक्त ही बताता है कि शायद हो सकता है कि सलमान खान जो हैं वो कैटरीना से शादी कर लें, क्योंकि तमाम इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं इन दोनों के दिलों में प्यार जो है वो जिंदा है। कहीं ना कहीं सलमान के मन में आज भी कैटरीना के लिए वही जगह है जो उनके मन में पहले होती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी जो हमेशा से अपने सेक्सी लुक्स को लेकर खबरों का कारण बनी रहती हैं, तो वहीं इन दिनों दिशा के हाथ फिल्में नहीं लग रही थी। दरअसल दिशा की हाल ही में बागी 2 रिलीज हुई जिसने काफी ही सक्सेस तो पाई, मगर उसके बावजूद भी जहां इस फिल्म के हीरो टाइगर श्रॉफ को तो फिल्मों की लाइन लग गई, तो वहीं दिशा के हाथ खाली दिखे। मगर हाल ही में दिशा को लेकर एक खबर सामने आ रही है और वो ये है कि दिशा के हाथ काफी बड़ा जैकपॉट लग गया। जी हाँ, आपको बता दें कि दिशा पटानी अब सलमान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म भारत में नजर आएंगी। खबरें तो अगर ये सच माने तो दिशा के हाथ ये काफी बड़ा मौका है, क्योंकि बॉलीवुड में अक्सर ही लोग सलमान के साथ काम करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो सलमान के साथ काम करना ना चाहता हो। फिलहाल तो सलमान अपनी फिल्म रेस 3 को लेकर काफी ही ज्यादा बिजी हैं। साथ ही साथ ये फिल्म 15 जून यानी ईद के मौके पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जो हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, सलमान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 को लेकर काफी ही ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सलमान की फिल्म का ट्रेलर भी सामने आया जहां उनकी पूरी स्टार कास्ट एक साथ दिखाई दी। वहीं इस खास मौके पर जहां पूरी टीम ने एक दूसरे के साथ बैठ के तमाम बातों का जिक्र किया, तो वहीं यहां पर ये लोग एक दूसरे की खिंचाई करते भी दिखे। बता दें आपको, सलमान ने बॉबी का निक नेम का भी खुलासा किया। जी हाँ, रेस 3 के लिए किए गए मेकओवर की वजह से सलमान ने उनका ये निक नेम रखा है। दरअसल ट्रेलर के लॉन्च के दौरान जैसे ही बॉबी की बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की हर कोई तारीफ कर रहा था, तो वहीं यहाँ पर एकदम से सलमान बोले कि अब ये बॉबी देओल नहीं बल्कि बॉडी देओल हो गए हैं। ये सुनकर बॉबी देओल भी ब्लश करते हुए दिखे और साथ ही साथ बता दें आपको, बॉबी देओल ने कहा कि सलमान, मेरे पूरे कमबैक का श्रेय मैं सलमान खान को देता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी काफी मदद की। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने आपके फेवरेट प्रोग्राम दबंग खान स्पेशल में दिखाया कि आखिर सलमान खान जो हैं वो इन दिनों काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बने हुए हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि फाइनली लगता है कि सलमान खान को उनकी दुल्हन मिल गई यानी कैटरीना कैफ। जी हाँ, पिछले दिनों सलमान खान से खुद कैटरीना ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि आखिर सलमान तुम कब शादी करोगे। मानो उनके कहने का ये मतलब था कि कब तुम मुझसे शादी करोगे, मैं भी कुंवारी बैठी हुई हूँ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान और कैटरीना एक साथ दिखाई दिए थे, जहां पर अक्सर ही मीडिया वाले सलमान से ये सवाल पूछते हैं, तो वही खुद कैटरीना ने ही सलमान से ये सवाल पूछ लिया कि सलमान तुम कब तक शादी करोगे। हालांकि सलमान खान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर हंसते हंसते इस बात को टाल दिया, जैसे मानो कि सलमान खान ये चाहते हो कि मीडिया वालों के सामने अब तक उनका ये राज सामने ना आए। अगर हाल ही की उनकी गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो सलमान खान की हाल ही गर्लफ्रेंड है यूलिया वंतूर, इन दोनों को अक्सर ही साथ देखा भी जाता है, मगर जब भी सलमान और कैटरीना एक साथ आते हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि फैंस की डिमांड भी यही है कि सलमान और कैटरीना एक दूसरे से शादी कर ले।
मानो जहां पर कैटरीना ने खुद से ही ये सवाल पूछ लिया हो, तो लगता है कहीं अंदर खाते इन दोनों ने शादी तो नहीं कर ली, या फिर यूं कहे कि कहीं ना कहीं इनका रिश्ता आज भी बरकरार है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि बॉलीवुड की ऐसी कौन सी एक्ट्रेस थी जिसका सलमान खान ने हाथ थाम लिया है कि अब वो उन्हें हिट करके ही मानेंगे। दरअसल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की। जी हाँ, दिशा पटानी का हाथ जो है सलमान खान ने थाम लिया है और दिशा बेहद ही जल्द अब सलमान और प्रियंका की फिल्म भारत में भी दिखाई देंगी। और साथ ही आपने ये भी देखा कि किस तरह से ट्रेलर के मौके पर सलमान खान जो हैं बॉबी देओल को ये बात कहते हैं कि अब ये बॉबी देओल नहीं बॉडी देओल बन गया है, जिसको सुनते ही बॉबी देओल काफी ही ज्यादा शर्मा भी जाते हैं। और क्या कुछ खास रहा देखा आपने हमारे इस प्रोग्राम में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल। बाय बाय। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।